हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है। मैं इस वीडियो में उसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 है जिसमें आप लोगों को सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल ट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल ट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोग का पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से, यानी कि बेसिक पे 35,400 और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोग को ग्रॉस सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है सुपरिंटेंडेंट के लिए, जिसमें आप लोगों को सेम सैलरी मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। और लास्ट है टेक्नीशियन के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और सिविल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से बीएससी या तो एमएससी किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग एमएससी किए हो तो उस केस में आपके एमएससी में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरिंटेंडेंट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन या तो मास्टर्स किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग मास्टर्स किए हो तो उस केस में आपके मास्टर्स में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा, बीवीटेक और बीएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। और अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स का होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो रिटन टेस्ट का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। रिटन टेस्ट में टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो हर एक डिसिप्लिन के लिए यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा। टोटल एग्जामिनेशन को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट होगा आप लोगों का पेपर वन और पेपर 2 दोनों ही 100 मार्क्स का होगा। जिसमें फर्स्ट है पेपर 1 के लिए, पेपर 1 को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। और पार्ट सी में
जनरल इंग्लिश में से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल पेपर वन के लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। नेक्स्ट होगा आप लोग का पेपर टू। पेपर टू में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ही पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपरिंटेंडेंट के लिए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा। पेपर वन आप लोग का 150 मार्क्स का होगा और पेपर टू टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों टेस्ट होगा। फर्स्ट है पेपर वन। पेपर वन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज में से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल इंग्लिश में से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। और पार्ट डी में ऑफिस प्रोसीड्योर में से मैक्सिमम 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। नेक्स्ट होगा आप लोग का पेपर टू, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर में से 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल एग्जामिनेशन के लिए 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ही पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। और लास्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट होगा आप लोग का ट्रेड टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का होगा। टोटल एग्जामिनेशन के लिए 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का रिटन टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ही पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना है। और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोगों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी। और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम। और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस में मेंशन है, आप लोग को उसी एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। अगर आप लोग बाई हैंड सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। और पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अकाउंट का डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आप लोग रिटन टेस्ट या तो ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग रिटन टेस्ट या तो ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 5 सितंबर 2023। तो फ्रेंड्स एक इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स एक इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, इसको आप लोग को अच्छे से फिल करना है। और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस में मेंशन है, आप लोग उसी एड्रेस पे 5 सितंबर 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जर्नलिज्म के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।